झारखंड में भाषा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। भोजपुरी मगही मैथिली एकता मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव जी हमारे साथ हैं, लेकिन जो झारखंडी भाषा है, जो आदिवासी नेता हैं, अब उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि झारखंड में भोजपुरी मगही नहीं चलेगा, जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैलाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं। कैलाश जी, स्थिति अब बिगड़ती जा रही है, आप लोग झारखंड बंद बुलाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर वो बंद बुलाएंगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, जो लोग इस सवाल कर रहे हैं या जो लोग धमकी दे रहे हैं, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है इस विषय पर। उनको ये बात सरकार से कहनी चाहिए। हम अपनी मांग सरकार से कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार निजी हमला कर हमको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनके बातों में फंसने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं और हम फंसने वाला भी नहीं है, लेकिन जब टकराने की आप मन ठान ही लीजिएगा तो जैसा सवाल आएगा वैसा जवाब दिया जाएगा, जैसा आप कुश्ती चाहते हैं वैसा उसको पटकनी दिया जाएगा। लेकिन हमारा निजी लड़ाई आपसे नहीं है। हम बार बार आप बंधु हम आपको कह रहे हैं, जो लोग भी आप लोग आंदोलित हैं, आप सरकार से मांग कीजिए, कैलाश यादव से, चाहे हमारे संस्था से, चाहे हमारे सहयोगी संगठनों को, निजी हमला करके आपको कुछ नहीं मिलेगा और आप दूसरे लाइन में जा रहे हैं, भटक रहे हैं। मैं आपको सुझाव देता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपनी बात को उठाइए। अगर हमसे टकराने की कोशिश कीजिएगा तो फिर कहीं नहीं टिकिएगा। सब लोग जानते हैं इस चीज को। लेकिन स्थिति नहीं लग रहा है कि बिगड़ रहा है? जो एक तरह से सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा था कि यह विवाद खत्म हो गया, बोकारो और धनबाद से भोजपुरी मगही को हटा दिया गया तो अब खत्म हो गया, लेकिन ये विवाद तो अब बढ़ता जा रहा है। इसका जवाब दे और दोषी कौन है बताइए। हम लोग सरकार के शुरू से चेताते आ रहे हैं, आप भाषा विवाद लाकर आपस में जो है कि हमारा भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करें। एक बार नहीं, सैकड़ों बार हम लोग कह चुके, बार बार कह रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से संदेश भी दिया हमने कि आप जो है कि भाषा विवाद को लाकर हमको और आपको बांटने का काम कर रहे हैं, बाहरी भीतरी का खेल खेल रहे हैं, फिर से 2002 की घटना दोहराने की ओर आप राज्य को ले जा रहे हैं। आखिर में आपकी मंशा क्या है? राज्य चलाना नहीं चाहते हैं, सत्ता पर आना नहीं चाहते हैं कि हमको और आपको बांटने की कोशिश कर रहे हैं? ये नहीं चलेगा। ये सरकार इसकी जवाबदेह, इस अगर ऐसा परिस्थिति आता है तो इसका जवाबदेह सरकार होगी। हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, क्या जरूरत है? हम लोग सारा काम धंधा छोड़कर इस काम में हम लोग लगे हुए हैं, अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं, सम्मान बचाने में लगे हुए, भाषा के नाम पर हमको और आपको बांटिएगा? यही लोकतंत्र कहता है, यही संविधान कहता है, इसी के लिए आप राज्य में बैठे हुए हैं। भाई भाई को बांटिएगा, हमको बाहरी और अतिक्रमणकारी कहलवाइएगा, घुसपैठी कहलवाइएगा, क्या तमाशा कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा? पहले भाषा, अब 1932 का खतियान, राजभवन के पास सैकड़ों युवा अब अनशन पर, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इस राज्य में सिर्फ 1932 का खतियान ही चलेगा। देखिए, उनको जितना अनुभव है, आज जो उनको ड्राफ्टिंग दिया गया है, जिनके द्वारा जो पढ़ाया गया, वो बात रट रहे हैं। सबको पता है कि 1932 झारखंड में स्टैंड नहीं करेगा। ये ब्रिटिश सर्वे की, ब्रिटिश जमाने की बात करें, जब हमारा देश की आज़ादी भी नहीं हुआ था। पुराना कानून को, पुराना एक्ट को, पुराने मामले को ले आइएगा तो कहाँ से आप टिकिएगा बताइए? न्यायालय भी आपको नहीं स्टैंड में एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए आधारहीन बात है, असंवेदनशील बात है और संविधान के खिलाफ है बात। इसलिए उनकी बातों का हम जवाब देना नहीं चाहते हैं, लेकिन सुझाव देना चाहते हैं कि ये जो मांग आपका है गलत है। आप बेवजह का खून अपना प्रति जला रहे हैं। अगर आप यही चीज शिक्षा के लिए लड़ते, यही चीज अच्छे अस्पताल के लिए लड़ते, रोजगार के लिए लड़ते, नौकरी के लिए लड़ते तो हम भी आपके समर्थक रहते, लेकिन आप दिशा भटक गए हैं, रास्ता भटक गए, सही रास्ते में आने की कोशिश कीजिए। मेरा उन लोगों को सुझाव के तौर पर कहना है। सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा तो फिर स्थिति तो बिगड़ जाएगी। सामाजिक सौहार्द का जिम्मेवार और उसका रक्षक कौन है? यहाँ का प्रशासन है, कानून है, उसको देखना चाहिए। और अगर उसके बावजूद भी प्रशासन चुप है, सरकार चुप है, इसका मतलब कि प्रायोजित है, इसका मतलब कि सरकार करवा रही है। जब सरकार करवा रही है, मानव को मानव से लड़वाना चाहते हैं, तो जैसा स्थिति आएगा देखा जाएगा, जो भी स्थिति आएगा उसका सामना किया जाएगा, डटकर सामना किया जाएगा। किस तरह से बंदी बुला रहे हैं और कौन कौन संगठन का साथ मिला? देखिए, आज पहले से 28 संगठनों का समर्थन था। आज हमको झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ के संस्थाओं ने, उनके अधिकारियों ने हमको समर्थन का घोषणा किया।
बस ऑनर्स एसोसिएशन जो है झारखंड का, उन्होंने समर्थन का घोषणा किया। रांची महावीर मंडल के लोग जो है कि महानगर के, उन्होंने समर्थन किया। घर बचाओ समिति के लोग समर्थन किया, आज की बात बता रहे हैं। छात्र नौजवान मोर्चा ने समर्थन किया। कई ऐसे संस्थान हैं जो आज समर्थन किया। पहले से 28 संगठनों का समर्थन है हमारे साथ में, उसमें तमाम रांची के राज्य के लोग हैं। दूसरी बात, गढ़वा, पलामू, गोड्रा, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, इतने जिलों में एक्टिव तौर पर कल हमारा जो है कि लोग बंद कराएंगे, और जिलों में कमों पर सब जगह जो है कि है। तो ये मेरा कल का बंद जो है एक सरकार को संदेश है। मैं आक्रामक बंद में नहीं हूँ, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपील करके कल बंद करा रहे हैं। अगर सरकार इसके बाद भी अगर नहीं रेंगती है, कान नहीं खोलती है, आँख की पट्टी नहीं हटाती है, तो आने वाला समय राज्य के लिए जो है कि आंदोलन का समय होगा, और राज्य को जो है कि इस आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर हम लोग पूरे जिला में प्रतिकार सभा करेंगे, और पूरे जिला में कमेटी को जो है कि आगे बढ़ाएंगे, और उसके बाद जो ऐलान होगा वो राज्य को जो है कि चेतावनी नहीं होगा, वो आर पार होगा। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ, चूंकि कल का जो आंदोलन है, कल का जो बंद का घोषणा है, वो एक हमारा रणनीति का एक छोटा सा शुरुआत है, एक हिस्सा है। तो ये कैलाश यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार को बीच में आना चाहिए, ये विवाद को खत्म करना चाहिए, और 1932 की खतियान की जो लोग मांग कर रहे हैं वो कहीं से स्टैंड नहीं करता, क्योंकि वो ब्रिटिश सर्वे किया गया था। आज़ादी के बाद के सर्वे को ये मानना मांगते हैं, ये कहते हैं कि उसके बाद या तो फिर जब राज्य अलग हुआ तभी से मान्यता होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही, और भी अपडेट के साथ हम हाजिर होंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।